क्या आप लोग अपनी रील्स को वायरल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि रील्स कैसे वायरल होती है? तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ रील्स वायरल करने का। तो देखो, रील्स वायरल करने के दो सिंपल मेथड हैं। या तो एक ऐसी एडिटिंग करो जो कोई नहीं कर रहा हो, या फिर एक ऐसी एडिटिंग करो जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही हो। और ये दोनों चीजें तभी पॉसिबल है जब आपको रील्स एडिट करना आता हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके सिखाने वाला हूं कि आप लोग वायरल वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, या फिर नॉर्मल वीडियो जो करते हो उसको कैसे अच्छे से एडिट कर सकते हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रील्स में वायरल हो। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम करते और कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि कोई एक ऐसा ऐप बताओ जिसके जरिए हम लोग इंस्टाग्राम रील्स को एडिट कर सकें और वो फ्री ऐप हो, उसमें किसी भी तरीके का वाटरमार्क ना आए। तो आज के इस वीडियो में मैं वो चीज भी आपको बताने वाला हूं, यानी कि मैं आपको फ्री ऐप बताऊंगा जिसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा और आपको किसी भी तरीके के पैसे नहीं देने, बिल्कुल फ्री ऐप है। तो बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को अभी से कर देना लाइक। और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना कि आपका फेवरेट रील क्रिएटर कौन है और आपको किसकी रील सबसे ज्यादा पसंद आती है, कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम दो तरीके की एडिटिंग सीखने वाले हैं। पहली होगी फोटो टू वीडियो वाली, क्योंकि इस तरीके की जो रील होती है ना वो आए दिन ट्रेंड में आती रहती है। और अगर आप लोग एक बार सीख गए कि फोटो से वीडियो प्रोफेशनली कैसे बनाया जाता है, तो आप किसी भी ट्रेंड को फॉलो करके अच्छे खासे व्यूज ले सकते हो, रील्स को वायरल कर सकते हो। और दूसरा तरीका होगा कि नॉर्मल रील्स किस तरीके से एडिट की जाती है जो आप वीडियो वाली बनाते हो। दोनों चीज सीखने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं VN ऐप, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी भी तरीके का वाटरमार्क नहीं आता, बिल्कुल फ्री ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखो। तो सिंपली हम लोग VN ऐप को यहां पे ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब हम लोगों को अगर कोई भी वीडियो एडिट करनी है तो सिंपली हम लोगों को यहां पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा। तो यहां पे हमारे सामने शो कर रहा है न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अब हम लोगों को अगर फोटो टू वीडियो वाली रील बनानी है तो उसके लिए हमें फोटो वाले ऑप्शन में जाना होगा और यहां से फोटो को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने डाउनलोड वाले फोल्डर में फोटो को सिलेक्ट कर रखा है। और आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें क्या होता है कि बचपन की पहले फोटो होती है, उसके बाद हमारी जो हम करंट में जैसे दिखते हैं वैसी फोटोज आती हैं। तो हम लोग उस टाइप की रील को एडिट करना सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कियारा आडवाणी का एक बचपन का फोटो सिलेक्ट करूंगा और जो करंट में उनके फोटोज हैं वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो और किसी और फोटोज को देखना तो आप इस तरीके से टैप भी करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसको आप ध्यान से देख भी सकते हो कि सही फोटो है या नहीं, और बाकी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ब्लू कलर का एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सारे फोटोज आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि लास्ट में 3 सेकंड का यहाँ वाटरमार्क टाइप का कुछ आता है इसमें VN में, तो आपको इसे डिलीट जरूर से कर देना वरना आपकी वीडियो में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे फोटो ऐड हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उन फोटोज को आपको स्प्लिट कैसे करना है। उससे पहले आप लोगों को सबसे जरूरी चीज सीखनी है, तो जो रील्स का साइज होता है ना वो 9:16 होता है। अगर आपने कोई और साइज करा तो सही नहीं होगा और वो रील वायरल भी नहीं होगी। इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि 9:16 में रखना है। वो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है 9:16। उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कोई फोटो सेंटर में नहीं आ रहा या फिर सही से नहीं आ रहा, जस्ट उस फोटो को सिलेक्ट करना, उसको एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। अगर आपको एडजस्ट वगैरह करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एडजस्ट का, और यहाँ पे जो आपके सारे फोटो ऑटोमेटिकली 9:16 में हो जाएंगे अगर वो कोई अलग साइज में भी होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फोटो हमारे 9:16 हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ आप इनको स्प्लिट वगैरह कैसे कर सकते हो, क्योंकि कई फोटोज हमें 2 सेकंड के रखने हैं, 1 सेकंड के रखने हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे टाइमर देखने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो अभी करंट वीडियो लगभग 30 सेकंड के आसपास की हो रही है। तो अब हम चाहते हैं कि नहीं यार, हमारी वीडियो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, हमारी वीडियो होनी चाहिए 20 सेकंड की। तो हम कैसे करेंगे कि सारे फोटोज को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे आपको फोटो को सिलेक्ट करना और आपको यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा जैसे आप आगे बढ़ाओगे। तो देखो यहाँ से मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, इतने पार्ट को यहाँ से अगर डिलीट करना है तो मैं इनको जूम भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं अच्छे से मुझे चीजें समझ नहीं आ रही तो मैं ये जो टाइमलाइन है ना इसको जूम भी कर सकता हूँ। देखो मैंने जूम कर दी, ये जूम हो गई। अब मुझे क्या करना, सिंपली इतने पार्ट को अगर डिलीट करना, डिलीट कर दिया, ये देखिए डिलीट हो गया इतना पार्ट। अब मुझे अगर मतलब सारे फोटोज को स्प्लिट करना अपने हिसाब से तो मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, ये देखिए स्प्लिट कर दिया। और कभी कभार क्या होता है कि स्प्लिट का ऑप्शन नहीं आता, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसा सिलेक्ट करके इसको छोटा भी कर सकते हो। ये देखो ये छोटा हो गया। अब यहाँ से अगर आपको स्प्लिट करते जाना फटाफट इस तरीके से सारे फोटोज को यहाँ सिलेक्ट करना है और स्प्लिट कर देना। ये देखो मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, इसको भी हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। हम लोग क्योंकि चाहते हैं हम शॉर्ट वीडियो बनाना, कि शॉर्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, तो यहाँ पे इसको भी स्प्लिट कर दिया और इसको भी स्प्लिट कर दिया। अब हमारी जो वीडियो 16 सेकंड की हो गई आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे फोटो ऐड करे और उनको 16 सेकंड का बना दिया, लेकिन अभी आप यहाँ देखेंगे कि इतनी अच्छी वीडियो नहीं लग रही है। उसका रीजन ये कि सिर्फ फोटो ऐड है। अब आपको ऐड करना पड़ेगा म्यूजिक,
तो अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसके जरिए आप लोग वीडियो से म्यूजिक ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई रील हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, उसका म्यूजिक नहीं मिलता, तो सिंपली आप उस रील को डाउनलोड कर सकते हो और फिर ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, म्यूजिक पे जाएंगे और ये प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब जो भी हमने रील डाउनलोड करी उसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से और ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमें म्यूजिक का ऑप्शन आ जाएगा, चूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने वीडियो से म्यूजिक ले लिया है। बाकी अगर आप लोगों को नॉर्मल म्यूजिक लेना है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ से अगर आपकी गैलरी में कोई म्यूजिक है तो उससे आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो आप म्यूजिक है वो 14 सेकंड का, हमारी वीडियो इतनी लंबी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से और पार्ट को स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये देखो स्प्लिट करना है, स्प्लिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसको यहाँ तक लेके आ गया मैं और ये वाले को यहाँ तक मैं ले आया। तो यहाँ पे म्यूजिक और फोटो दोनों बराबर हो गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ लगभग सही है। अब हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ ऐड करनी है जो कि एफएक्स वगैरह। अब एफएक्स क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपकी रील बहुत तगड़ी लगेगी और सबसे यूनिक भी लगेगी। तो यहाँ पे हम फोटो को सिलेक्ट करेंगे और हमें कोई इफेक्ट देना है उस फोटो में, तो एफएक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखो स्पिन वाला, तो फोटो जो है वो इस तरीके का, अगर मैं इसे बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। अलग अलग यहाँ पे हमें एफएक्स देखने को मिलेंगे, आप देखते होंगे रोटेट टाइप के, इस तरीके के काफ़ी लोग रील्स बनाते हैं जीटर वाला ऐड करके, कि फोटो शुरू में आता तो ऐसा होता है बिल्कुल इस टाइप से फ्लैश के आता है। जीटर का ऑप्शन है, जूम का ऑप्शन है, या जूम भी कर सकते हो आप, ये देखो जूम का, इसको बढ़ा सकते हो उतना रख सकते हो। जीटर का ऑप्शन है, जूम का है, जीटर लेफ्ट का है, जीटर अगर लेफ्ट साइड से आपको जीट करना है तो उसका, शेक का भी है, देखो शेक का ऑप्शन है, शेक बढ़ाना चाहते हो कर सकते हो। देखो अब हमारा जो फर्स्ट फोटो ना वो इस, ये देखिए, तो मैं ऑडियो को ऑफ कर देता हूं वरना कॉपीराइट का सीन वगैरह आ जाएगा, कम कर देता हूं थोड़ा। तो यहां पे आप देखोगे जो फोटो हमारा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सारे फोटोज में ना अलग अलग इफेक्ट ऐड करने पड़ेंगे ताकि हमारा फोटो सही लगे। तो हमने फर्स्ट फोटो में क्या करा है कि हम लोगों ने यहाँ पे एफएक्स को ऐड करा है। तो अब आप लोगों को हर फोटो के बाद ना यहाँ पे इफेक्ट को ऐड करना है। कैसे करना है, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप लोगों को अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। देखिए जब आपका नेक्स्ट फोटो आएगा तो कैसा इफेक्ट आना चाहिए उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये रोटेट का चाहिए तो रोटेट लगा सकते हो। तो आप चाहो तो हर फोटो में अलग अलग लगा सकते हो, जैसे मैं इसमें ये जूम इन वाला कर देता हूँ, इसमें हम लोग कर देते हैं ये रोटेट लेफ्ट वाला कर देते हैं, इसमें हम लोग कर देते हैं वर्टिकल वाला कर देते हैं और इसमें हम लोग कर देते हैं ये वाला, ठीक है, और इसमें हम लोग लगा देंगे सब में जूम इन, बाकी कर देते हैं जूम वाला और ये जूम, जूम ये रहा, ये जूम पे क्लिक कर दिया हम लोगों ने, इस पर भी जूम लगा देंगे, ये रहा जूम और इस पर भी जूम, क्योंकि ये ऑडियो इसी टाइप की इसलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब मैं आपको प्ले करके बताता हूँ, देखेंगे हमारी कितनी सॉलिड वीडियो बने। यहाँ पे आप देख सकते कितनी तगड़ी वीडियो बनी हमारी, जो वीडियो है वो एक अलग ही तरीके की बनी, हमने ऑडियो के हिसाब से बिल्कुल सारी चीज़ों को मैच करा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कुछ ट्रेंड ऐसे आते हैं जिसमें हम लोगों को बीट का यूज़ करना पड़ता है, तो आप ऑडियो में बीट भी लगा सकते हैं, मतलब बीट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहां से कौन से मुझे फोटो ऐड करना है। तो जस्ट आपको क्या करना है, ऑडियो को सिलेक्ट करना है, बीट के ऑप्शन पर जाना है और आपको लगता है कि नहीं यार मेरा जो पहला फोटो है ना वो यहाँ से आना चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ताकि आपकी जो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बने, 6, 7 यहाँ पे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे हम लोगों को ये ऑप्शन आ रहा है, तो मतलब अगर मुझे फर्स्ट फोटो यहाँ तक रखना है तो मैं रख सकता हूँ, अगर ये मेरे पास ऑप्शन है मेरे पास, मतलब कि अगर मुझे कहीं पे लगता है कि ऑडियो यहाँ से ऊपर जा रही है तो यहाँ पहला फोटो आना चाहिए, वहाँ ज़्यादा आ रही है, तो इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से अब हमारी जो फोटो टू वीडियो वाली रील है बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब कैसे एक्सपोर्ट करना मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप नॉर्मल वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, और सिंपली राइट के ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट अब हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, स्लोमो किस तरीके से होता है वो जानते हैं। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहता हूँ तो सेव द प्रोजेक्ट एंड एग्जिट पे क्लिक करूंगा, तो ये प्रोजेक्ट मेरा सेव रहेगा जब चाहे जब मैं उसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट आ गया। तो यहाँ पे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और एरो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी एक वीडियो जिसमें मैं सिंपली चल रहा हूँ और आप लोग देखते होंगे इस तरीके की वीडियो बहुत चलती है, तो कहीं भी गार्डन वगैरह में चल रहे हैं थोड़ा सा स्लोमो ऐड करा और अच्छे खासे व्यूज ले गए। मैं आपको रील्स में भी ले चल के बता देता हूँ कितने व्यूज है मेरे इस पे, यहाँ पे बैक करूंगा 73,000 व्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं करा जस्ट चल रहा हूँ। तो इस तरीके की रील्स वायरल होती है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट पार्ट को हटा देना जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम लोग स्लोमो ऐड करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज भी बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग फिल्टर वगैरह लगाना चाहें कोई अलग अलग तरीके के जिसमें आपको लगता है कि यार नहीं इसमें मेरी वीडियो सही लग रही है एस्थेटिक में या फिर एसेंस में, आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे फिल्टर मिल जाते हैं जो कि काफी सॉलिड लगते हैं अगर आपकी वीडियो उस टाइप की हो तो। बट मेरी वीडियो में मुझे लगता है कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं, इसलिए मैं ओरिजिनल पे सिलेक्ट करूंगा और सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पे
स्लो फास्ट मोशन वीडियो अगर बनानी है तो हमें सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को स्पीड वाला ऑप्शन में जाना, तो अब आप लोगों को ध्यान से देखना है कि हम लोग इसे स्लो फास्ट मोशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी ये जो यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं ना, आपको फ्लैट दिख रहे हैं। अगर आपको स्लो फास्ट मोशन करना है ना, तो जैसे हम इसे ऊपर ले गए, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, लेकिन मैं अगर नीचे लेके आऊंगा तो स्लो हो जाएगा। ये देखो ये स्लो हो गया। अब अगर मुझे फास्ट करना है तो मैं इसे और ऊपर ले जाऊंगा। अगर मुझे ज्यादा ही फास्ट करना है, देखो यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्लो बिल्कुल ही हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे स्लो चल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे एकदम से फास्ट हो जाऊंगा, ये देखो, है ना। तो अगर आपको ऐसा करना है कि कहीं पे ज्यादा फास्ट करना है, कहीं पे ज्यादा स्लो करना है, तो उसको आप नीचे तक ला सकते हो, ये देखो, फिर ये यहाँ पे कर सकते हो, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बाकी प्रीसेट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो प्रीसेट्स को, जिसमें ऑटोमेटिकली स्लो फास्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे तेज चल रहा हूँ मैं, एकदम से स्लो हुआ, फास्ट हुआ, और ये स्लो हो गया, और यहाँ पे फास्ट नॉर्मल हो जाऊंगा। ये देखो नॉर्मल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन जो था आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए ये फास्ट स्लो, मतलब अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप लोग प्रीसेट का भी यूज कर सकते हो, ये देखो, या फिर आप लोग रेगुलर में जाके यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हो, पूरी वीडियो को स्लो फास्ट कर सकते हो। ये देखो 1x पे नॉर्मल होती है जो हमारी नॉर्मल वीडियो है, लेकिन अगर आपको ऐसा करना तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल अपने हिसाब से कर लेते हैं। ये देखो मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ कैसे करना है। जस्ट यहाँ पे हम लोग इसको नीचे लाएंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो अब हमारी वीडियो एकदम से स्लो चलेगी, फिर फास्ट चलेगी, फिर ये स्लो हो गई, और अब यहाँ से फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों को सिंपली क्या करना, राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बाकी मैंने आपको एडिटिंग बताई दी, अब जस्ट आप लोगों को इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आप लोग रील्स में डाल सकते हो, और ऐसी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल होती है। और आप लोग ऐसी और वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोज़ डालूँ तो आप लोग मिस ना करें।